My topic for today is sea urchin fertilization events. उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो sea urchin है वो होता क्या है. Sea urchin हमारा एक टाइप का invertebrate होता है जो कि हमारा belong करता है echinodermate class से. अब जो हमारा question है कि sea urchin मिलता कहाँ पे है. Sea urchin mainly हमारा oceans में मिलता है, warm water में मिलता है, cold water में मिलता है. अब हम ये इसकी बॉडी कैसी होती है, ये दिखने में कैसा है सी अर्चिन हमारा. एज यू कैन से इन द डायग्राम दिस द स्पाइनी स्ट्रक्चर ऑफ अ सी अर्चिन. इन दिस द सी अर्चिन हैव अ स्पाइनी बॉडी स्ट्रक्चर. क्वेश्चन है डू सी अर्चिन ले एग्स. क्या सी अर्चिन हमारा एग ले करता है. यस The female sea urchin ejects million of small jelly-coated eggs into the water. यानी कि जो हमारी female है sea urchin वो क्या करती है, millions of small jelly-coated egg जो कि हमारा water में लेकर देती है. अब यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो इसकी fertilization है that is the external fertilization. अब इससे आपको पता चल जाएगा, आपके doubt solve हो जाएंगे. First question है what is sea urchin. सी अर्चिन हमारा बिलोंग करता है इकाइनोडर्मेट क्लास से जो कि मैंने अभी बता दिया है आपको. इसकी जो बॉडी होती है ऊपर से स्पाइनी स्ट्रक्चर होती है, ग्लोबुलर एनिमल्स होते हैं. मिलता कहाँ पे है, ओशंस में, वार्म वाटर में, कोल्ड वाटर में. एग ले करता है या नहीं करता है. यस ऑफ कोर्स फीमेल सी अर्चिन जो हैं इजेक्ट करती हैं मिलियंस ऑफ स्मॉल जेली कॉटेड एग वाटर में रिलीज कर देती हैं. हाउ फास्ट डू सी अर्चिन ग्रो. कि जो हमारा सी अर्चिन है कितना फास्ट ग्रो करता है, क्या ये फास्ट ग्रो करता है या स्लो ग्रो करता है. अब देखिए क्वेश्चन है कि इसमें फेयरली ग्रो व्हेन इट यंग. यानी कि यंग यानी कि इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो होती है एट द एज ऑफ 2 ईयर्स. यानी कि 2 साल की एज में ये कितना ग्रो कर सकता है, 2 cm to 4 cm इन 1 ईयर. यानी कि 1 साल में ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू सी अर्चिन गिव बर्थ. क्वेश्चन है कि सी अर्चिन जो है हमारा बर्थ कैसे देता है. जो हमारा सी अर्चिन है ये कैसे डेवलप होता है, जो हम इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं टेस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय द टेस्ट. यानी कि जो सी अर्चिन की आउटर कवरिंग है, बाहर का जो स्केल्टन है एग्जोस्केल्टन, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं. द यंग डेवलप इन द वॉम्ब लाइक पाउचेज. यानी कि जो इसका वॉम्ब लाइक पाउच होता है ये इसमें ग्रो करता है, गिव बर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है डू सी अर्चिन हैव द ऑर्गन्स. सी अर्चिन के पास हमारी कुछ ऑर्गन्स होती हैं. यस जैसे हम इसके भी बॉडी स्ट्रक्चर्स देखे थे इन द बैक, देयर इज द माउथ, इंटेस्टाइन एंड द एनस. सी अर्चिन के पास हमारा फैमिलियर होती हैं इसोफेगस, इंटेस्टाइन. बट द मोस्ट यूनिक ऑर्गन्स आर द वंस. इसके पास जो मोस्ट यूनिक ऑर्गन्स होती है यानी कि इसके पास एक वाटर सिस्टम है जो कि एक्ट करता है हाइड्रोलिक पंप की तरह. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शेल ऑफ अ सी अर्चिन कॉल्ड. अब जो हमने अभी बताया था जो इसकी शेल है यानी कि एग्जोस्केल्टन, इसकी जो कवरिंग होती है इसकी शेल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द टेस्ट. डू सी अर्चिन्स हैव आर्म्स. क्या सी अर्चिन के पास आर्म्स होती है. नो डू नॉट हैव द आर्म्स विद द फ्लैटन फाइब्रोस 2 फीट हेल्प इन द स्लो मूवमेंट. यानी कि इसके पास 2 फीट होती है जो कि हेल्प करती है इसकी मूवमेंट में. अब है क्वेश्चन कि सी अर्चिन के अंदर क्या है हमारा. सी अर्चिन द माउथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द सी अर्चिन इज मेड अप ऑफ 5 calcium carbonate टीथ. यानी कि जो सी अर्चिन का माउथ होता है हमारा वो 5 calcium carbonate टीथ से बना हुआ होता है और इसको हम प्लेट्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी एग्स डू सी अर्चिन ले. यानी कि ये तो हम मैंने अभी पहले आपको बता दिया था कि जो सी अर्चिन होता है वो क्या एग ले कर सकता है. यस एग ले करता है हमारा, ये वाटर में ले करती है फीमेल सी अर्चिन जो कि हमारी फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल. फीमेल सी अर्चिन है जो कि 5 मिलियंस एग्स इन हर लाइफ टाइम, यानी कि एक पूरे लाइफ टाइम में जो फीमेल सी अर्चिन है वो 500 मिलियंस एग्स को अपने लाइफ टाइम में कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू सी अर्चिन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली. यस अब हमारी जो हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है यानी कि वो सेक्सुअली हो रही है.
अब इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो रही है कि स्पर्म की क्या स्ट्रक्चर है और हमारी एग की या ओवम की क्या स्ट्रक्चर है। एज यू सी इन द डायग्राम, जो हमारा फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द एक्रोसोम एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द सेल बॉडी जो कि न्यूक्लियस कंटेन करती है। थर्ड हमारा कॉलर जो कि हमारा एटीपी या माइटोकॉन्ड्रिया हमारे स्पर्म के अंदर होता है एंड द फोर्थ इज़ द टेल। यानी कि ये दीज आर द फोर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म इन द सी अर्चिन। अब जो हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ एक्रोसोम, अब हम इसके नाम पता चल गए हैं, फर्स्ट पार्ट एक्रोसोम है, सेल बॉडी है इसकी, कॉलर नेक सेल्स हैं, इसकी टेल है। अब क्वेश्चन है कि ये इनके फंक्शंस क्या हैं, एक्रोसोम के हमारे फंक्शन क्या हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ एक्रोसोम रिएक्शन इनसाइड सी अर्चिन, कि एक्रोसोम का क्या फंक्शन है। एक्रोसोम रिएक्शन अलाउ स्पर्म, यानी कि जो ऊपर का जो एक्रोसोम है यानी कि अपर बॉडी पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, इसका क्या करता है ये, यानी कि ये रिलीज करता है हमारा कुछ एंजाइम्स, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि किसके साथ फ्यूज करते हैं, फीमेल एग या ओवा जो कि हमारा जोना पेलुसिडा के, उससे इससे क्या करेंगे द स्पेसिफिक जोना पेलुसिडा प्रोटीन, यानी कि ये किसके साथ फ्यूजन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, फीमेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फीमेल की एंड आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। यानी कि एक्रोसोम का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है हमारा फ्यूजन कराता है हमारा बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ फीमेल एंड द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। अब जो ये एक्रोसोम है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है व्हेन फ्यूज्ड विद द फीमेल एग। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, एग ऑफ सी अर्चिन, सी अर्चिन की स्ट्रक्चर बॉडी कैसी है, आउटर कवरिंग है एग का जो हमारी जेली कोट होती है, दैट इज द मेड अप ऑफ अ शुगर। ये क्या करती है जेली कोट, ऊपर की जो एग की कवरिंग है जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है अट्रैक्ट करती है स्पर्म को और एक्टिवेट करती है। एंड द नेक्स्ट इज द विटलाइन मेम्ब्रेन, और इस पर सेल मेम्ब्रेन एनवेलप होता है अंदर जो इसके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रियाज। अब हम इसका फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं, फादर एंड द मदर, ये पता है कि हमें ये हैप्लोइड होते हैं, मदर के भी हमारे हैप्लोइड होते हैं, फ्यूज करा के ये जाइगोट बनाते हैं, दैट इज द टू एंड डिप्लोइड जाइगोट बनता है हमारा। अब जाइगोट का है हमारा जाइगोट जो न्यूक्लियस है हमारा फादर के न्यूक्लियाई और मदर के न्यूक्लियाई दोनों से मिलके बना हुआ होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, हमें पता होता है कि जो ये दोनों चीज़ें हैं हमारी वो हमारी मैटरनल से मिली हैं, हमें अपने मदर से मिलते हैं साइटोप्लाज्म और इसका माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि विटिलाइन मेम्ब्रेन क्या होती है, एक्रोसोम्स के फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। मैंने अभी आपको बताया था कि स्पर्म की स्ट्रक्चर में कि जो एक्रोसोम्स होते हैं, एक्रोसोम्स कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करते हैं। द आंसर इज एक्रोसोम्स कंटेन हाइड्रोनिडेज, यानी कि कुछ एंजाइम्स, कौन से हाइड्रोलिटिक, ये कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के नाम हैं, एक्रोसीन हो गया है। ये काम क्या करते हैं, जो हमारा ओवम है जब ये फ्यूज कराते हैं एग के साथ, ओवम जो फीमेल है उसके साथ जब फ्यूजन होती है, ये क्या करते हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विटिलाइन मेम्ब्रेन। अब हमने जैसे इसके स्ट्रक्चर में देखा था कि जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, इट इज़ द स्ट्रक्चर सराउंडिंग द आउटर सर्विस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो जेली कोट हो गया, ये इसकी विटिलाइन मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इस सारी की सारी क्या है, ये हमारी एग की जो है सी अर्चिन की मेम्ब्रेन है। व्हाट डज द मिडल पीस ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन, यानी कि जो स्पर्म का जो है मिडल पीस होता है, अभी हमने इसमें देखा कॉलर नेक एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये क्या करता है हमारा मिडल पीस माइटोकॉन्ड्रिया को कंटेन करता है। इन द हेड ऑफ अ स्पर्म, हेड ऑफ द स्पर्म के अंदर हमारा क्या होता है, ये हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है जो कि कंटेन क्या करता है जेनेटिक मटेरियल करता है, और ऊपर हमारा इसका एक्रोसोम्स होता है जो कि फ्यूजन कराता है कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा आउटर कोट ऑफ एग, एग के आउटर कोट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली बात इसको हम जेली बोलते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं स्पर्म को, अट्रैक्ट करते हैं, जो कि किस चीज़ के होते हैं, ये पॉलीसेक्राइड्स मिलके बने होते हैं।
अब है हमारा सी अर्चिन स्पेशलिटी। हमने पढ़ लिया सी अर्चिन हमारा कोल्ड वाटर में, ओशंस में, सब में मिलता है। इकाइनोडर्मेट क्लास से ये बिलोंग करता है और ये एग को ले कर सकता है। ये 500 मिलियंस एग को इसके लाइफ टाइम इसके होते हैं। अब जो एग है और स्पर्म है, इसकी क्या अच्छी बात होती है? अब है हमारी एग, एग में हमने अभी पढ़ा जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, ठीक है। विटेलाइन जो मेम्ब्रेन होती है, इसके पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इस रिसेप्टर का नाम है EBR1। विटेलाइन मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर का नाम होता है हमारा EBR1, यानी कि ये एक टाइप का एक रिसेप्टर होता है। और स्पर्म के अंदर क्या करता है हमारा लिगेंड, ऑब्वियस सी बात है इसका लिगेंड होगा। अगर हमारे एग के पास हमारा क्या है, हमारा रिसेप्टर है, तो स्पर्म के पास हमारा क्या होगा, लिगेंड होगा। उस पे हमारा जो स्पर्म पे लिगेंड है, दैट इज़ द बिंडिन प्रोटीन। स्पर्म के पास हमारा कौन सा प्रोटीन होता है, बिंडिन प्रोटीन, जो कि एक्ट किसकी तरह करता है, हमारा एक लिगेंड की तरह एक्ट करता है। और हमारे एग पे यानी कि विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा क्या होता है, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज द EBR1, जो कि एक लिगेंड स्पेसिफिक है। यानी कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इसी के ऊपर जाके जो हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो ये कैसे फ्यूजन होगी? EBR1 यानी कि जो रिसेप्टर है वो किसके साथ बाइंड करेगा, हमारा बिंडिन प्रोटीन के साथ। तो हमारी जो फर्टिलाइजेशन होगी, अब फर्टिलाइजेशन इज स्पेसिफिक स्पीसीज, यानी कि अब देखो कि सी अर्चिन है हमारी, इसकी डिफरेंट क्लासेज होती हैं, डिफरेंट क्लासेज हैं, बट ये क्या करता है, अपनी ही क्लास के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। क्यों? क्योंकि ये एक लिगेंड स्पेसिफिक स्पीसीज है। अब है इसका रिसेप्ट प्रोटीन, कीमो एट्रैक्टेंट रिलीज्ड बाय द एग, यानी कि एग क्या करते हैं, रिलीज करता है एक टाइप का कीमो एट्रैक्टेंट, जो कि कीमो का मतलब केमिकल से अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वो क्या करेंगे, स्पर्म को अट्रैक्ट करेंगे। किसकी वजह से? अब देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, कि अभी हमने पढ़ लिया कि ये एक लिगेंड स्पेसिफिक होता है, कैसे लिगेंड इसके पास आ गया है हमारे एग की विटेलाइन मेम्ब्रेन के पास, तो यानी कि इसके पास क्या होता है, एक रिसेप्ट प्रोटीन होता है। रिसेप्ट प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, ये कीमो अट्रैक्टेंट की तरह एक्ट करता है, जो कि ये क्या करता है, वाटर में रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्पर्म होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है। थैंक यू सो मच फॉर द